का नाम बताओ या का रास्ता मेरे पाकिस्तानियों आज आ, मैं अपनी जेल भरो तहरीक के ऊपर बात करना चाहता हूं जो कि पाकिस्तान की जो हकीकी आजादी की जंग है जो हमने पिछली 10 अप्रैल से शुरू की हुई है उसी के तसलसल है अब ये जेल भरो तहरीक लेकिन मैं इससे पहले थोड़ी सी बात करना चाहता हूं कि आज जो शबाज शरीफ ने अभी एक ये बड़ी लंबी सी तकरीर की जिसमें से मैं एक ही चीज समझाऊं कि वो ये तैयारी करवा रहा है कौम को कि क्योंकि आईएमएफ से हमने अग्रीमेंट करनी है इसलिए कौम तैयार हो जाए मजीद और महंगाई के लिए मुझे इसी यही समझ आई है इसकी बाकी चीजें जो भी हैं वो तो आ, उ, उनके ऊपर बात करने का कोई फायदा नहीं असल बात यह है कि आज शबाज शरीफ कौम को कह रहा है कि मजीद और महंगाई के लिए कौम तैयार हो जाए मैं सबसे पहले सवाल शबाज शरीफ से पूछता हूं कि क्या आपको पता है ये सोशल मीडिया का जमाना है अब जब भी जो बात करते हैं तो अब एक ऐसा जमाना आ गया है कि एकदम वो आपकी पुरानी तकरीरें और आपकी जो भी आपने पहले लोगों से वादे किए हुए हैं वो सब एक मिनट में वो निकाल के सामने ले आते हैं ये है सोशल मीडिया का जमाना सिर्फ चले जाएं कि आपने जब हमारी हुकूमत थी तो आपने किस किस्म की तकरीरें की आपने कैसे कौम को बताया कि लोग महंगाई में डूब गए हैं पेट्रोल की कीमत दो रुपए बढ़ गई बिजली दो रुपए यूनिट बढ़ गई और मार्च करो इस्लामाबाद में गिरा दो इस हुकूमत को क्या आपको याद है अगर आपको याद नहीं तो ये सोशल मीडिया आपके सामने ले आएंगे आपकी सारी तकरीरें हुकूमत गिरई आप उस साजिश का हिस्सा थे आप और ये जरदारी और वो जो तीसरा वो आपके साथ आपका जो भाई बैठा हुआ था लंडन में और वो जो एक्स आर्मी चीफ आपने मिल के ये किया और शामिल कर लिए बैरूनी ताकतों को उनको बताया कि कितना इमरान खान आपके खिलाफ है तो उन सबने के ये हुकूमत कराई आपने वादा किया कि एकदम मुल्क ठीक हो जाएगा एकदम खुशहाली आ जाएगी दस महीने में जो इस पाकिस्तान के साथ हुआ है दुश्मन भी पाकिस्तान से यह ना करे दस महीने के अंदर पाकिस्तान की पचास साल के अंदर पाकिस्तान की तारीख में पचास साल में सबसे ज्यादा महंगाई हुई है हम जब गए थे जब आपने पूरी तीन लॉन्ग मार्चेज हुई महंगाई के खिलाफ आपकी सारी पीडीएम ने की तो तब बारह से साढ़े बारह फीसद महंगाई थी आज तीन गुना महंगाई उससे ज्यादा है जब आप आपने इतनी लंबी तकरीर में कहा ना कि अभी मजीद और महंगाई के लिए लोग तैयार हो जाए तो अभी तीन गुना ज्यादा महंगाई है जब आपने हमारी हुकूमत गराई थी और आपने जब हुकूमत गराई थी और आपने ये जो तीन गुना ज्यादा महंगाई की थी तो क्या हुआ था हमारे जमाने में हम भी आईएमएफ के ढाई साल प्रोग्राम में थे तो अगर आप आईएमएफ आए, आई के कंधे पर बंदूक चला रहे हैं तो हम ढाई साल आई के प्रोग्राम में थे उसके ऊपर कोरोना सारी दुनिया के अंदर एक वबा आई थी उसकी वजह से सप्लाई लाइन्स इफेक्ट हुई थी जब सप्लाई लाइंस इफेक्ट हुई थी तो सारी दुनिया में महंगाई आई थी जिसको कमोडिटी सुपर साइकिल कहते हैं वो सारी दुनिया को हिट किया था एनर्जी की कीमतें तेल की कीमत खास तौर पे ऊपर चली गई थी हमारे दौर में तेल की कीमत 110 डॉलर से 115 डॉलर बैरल पे गई थी आज वो 75 डॉलर से पचासी डॉलर पे है तो जो असल वजह थी महंगाई की वो तो तेल था तो अब तो तेल नीचे आ गया है आज जो घी हमारे जमाने में था वो आजकल जो पाम ऑयल जो बाहर से लेके आते हैं जो इंपोर्ट करते हैं वो दुगना था आज के मुकाबले में आज घी कितना महंगा क्यों है आज डीजल और पेट्रोल इतना महंगा क्यों है सौ सौ रुपया ज्यादा है हमारे दौर से और क्या वजह कि रुपया गिर गया तकरीबन सौ रुपया डॉलर महंगा हुआ है मैं सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि हुआ क्या इस मुल्क में सैलाब आए हैं जिस तरह हमारे दौर में वो वबा आई इस मुल्क में जलजले आए हैं लेकिन कभी इस तरह की महंगाई नहीं हुई और आपके दौर में किसी किसी चीज के ना होने की वजह से यह महंगाई हुई है तो आज ये जो आपने इस जो आज भी पाकिस्तान की तारीख में फिर से 50 साल में सबसे ज्यादा महंगाई है और हमारे दौर से तीन गुना ज्यादा महंगाई है आज आप कह रहे हैं कि क्योंकि आईएमएफ से हमने एग्रीमेंट करनी है अभी मजीद और महंगाई के लिए तैयार हो जाओ और फिर यह जो सारे लोग आपने बैठा के ये वाम को ये तैयारी करवाई थी मजीद और महंगाई की तो मैं समझा कि आप कोई बड़ा कोई फैसला करेंगे हम उम्मीद ही रखते रहे कि शायद आपको कोई अवाम की फिक्र हो और आप ऐसी स्टेटमेंट दे दें कि आपने और ये जो आसिफ ज़दारी ने और आपके खानदानों ने जो तीस साल से पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए हैं जो लंदन के सबसे महंगे इलाके में चार लग्जरी फ्लैट्स हैं सबसे म... बर्तानिया का प्राइम मिनिस्टर वहां नहीं रह सकता बेटा रहता है जो कि नौ अरब पुराने अब दस अरब का कम अज कम वो जो प्रॉपर्टी एक एक बेटा रहता है वन हाइट पार्क बाकी इनके बिजनेस इंटरेस्ट है इनके बिनामी प्रॉपर्टीज हैं जरदारी की बिनामी प्रॉपर्टीज हैं तीस साल से मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर लेके जा रहे हैं तो शायद आपके अंदर कोई तकलीफ होती है की कि वो आधा भी पैसा पाकिस्तान में ले आए मैं आपको यकीन दिलाता हूं इतनी महंगाई ना करनी पड़ती तो लोगों से कुर्बानियां ले रहे हैं लोगों को बार बार पहले ये महंगाई करके मजीद और कुर्बानी लेना चाहते हैं कोई अपनी भी कुर्बानी दे दें ये जी हम सरकारी गाड़ियां कम कर देंगे तो पता नहीं गवर्नमेंट वो जो जमीने हैं वो बेच देंगे इससे लो, लोगों को पागल ना बनाएं अगर कुछ करना चाहते हैं जो चोरी का पैसा बाहर रखा हुआ वापस लेके आए हाल ये है कि जो सौ रुपया जब सौ रुपया गिरा डॉलर के बनस्पत तो इसका मतलब कि ये कौम की सौ रुपए दौलत में कमी आई और आपके जो डॉलरों में बाहर पैसे पड़े हुए हैं जो आपका सारा टब्बर बाहर गया हुआ है वो डॉलरों के अंदर दौलत में इजाफा हुआ कौम गरीब हुई आप अमीर हो गए हैं इससे डिवैल्युएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता तो ये मगर मच के आंसू ना हमारे साथ दे कि जी बड़ी तकलीफ है आप कुछ करना चाहते हैं बाहर का पैसा लेके आए और आपने किया क्या आके 1100 अरब रुपए के करप्शन के केसेस अपने एन आर ओ टू लेकर खत्म किए 1100 अरब रुपए के ये सारे आपने आपने आते साथ ही असेंबली में बैठ के अमेंडमेंट की नैब में और यह सारा खत्म किया और लोगों को कह रहे हैं फिर कि जी आप मजीद और महंगाई के लिए तैयार हो जाए कौम तैयार है लेकिन महंगाई के लिए नहीं किसी और चीज के लिए तैयार है और आज जो मैं खास तौर पे जो लाहौर के लोग आज निकले मैं अपनी पार्टी लीडरशिप ही और लाहौर के लोगों के लिए मैं खराज तहसीन पेश करता हूं कि जेहल भरो तहरीक में जिस तरह वो निकले और जिस तरह कौम ने आके उनकी सपोर्ट की मैं कौम का आज लाहौर लाहौरियों का शुक्रिया अदा करता हूं उससे पहले परसों जब मुझे तलब किया अदालत ने और सिर्फ तीन बजे जब तलब जब फैसला किया और पांच बजे के साढ़े चार बजे घर से निकला तो जो जिस तरह कौम निकली सड़कों के ऊपर मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं मैं वुकला का शुक्रिया अदा करता हूँ ये जो क्या आपके सामने नजर आ रहा है ये शबाज शरीफ है देख लो ये कौम आज इनकलाब के लिए तैयार है इनको इस तरह की गोलियाँ अब वो नहीं लेंगी कि अपने इश्तहार में तस्वीरें दे दे दें दोनों भाइयों की तस्वीरें कि जी सारी तरक्की इश्हारात में हुई अरबों रुपए के कौम के पैसे के अपने पब्लिसिटी के देने के लिए इससे अब कौम बेवकूफ नहीं बनेगी कौम ने अपना फैसला कर लिया कौम सड़कों के ऊपर आने के लिए तैयार है मैंने जब से मेरी हुकूमत गई मैंने तब फैसला किया कि मुल्क के हालात ऐसे नहीं कि मैं अपने मुल्क में कोई नुकसान पहुँचाऊँ अपने मुल्क को मैंने सारी जो अपनी जद्दोजहद की दस अप्रैल के बाद वो सारी आइन और कानून के बीच में की हमारी पूरी कोशिश ये थी कि हमारे मुल्क को हमारी जद्दोजहद से नुकसान ना पहुंचे हमारी हकीकी आजादी की जद्दोजहद से कि जिस तरह गद्दारी की गई इस कौम से जो मीर जाफर और मीर सादक इस कौम के थे जिन्होंने मुल्क को एक चलती हुई इकोनॉमी को गिरा के और आज घुटनों पर खड़ा कर दिया पाकिस्तान घुटों पर आज हम आई एम एफ पल के किसी भी दुनिया की अब ताकत के सामने जब मुल्क मुल्की बैंक हो गया तो हम क्या बात कर सकते हैं ये आपकी और आप गद्दारों की जिम्मेदारी है आप जिम्मेदार हैं इसके कि जिन्होंने इस मुल्क को आज यहां खड़ा किया है इंडस्ट्री बंद हो गई है हर रोज लोग बेरोजगार हो रहे हैं फैसलाबाद जाके देखें जिधर मजदूर नहीं मिलता था आज वहां हालात देखें एक तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है दूसरी तरफ महंगाई बढ़ रही है इसका कौन जिम्मेदार है इसके आप और आपके सहूलतकार जिन्होंने यह साजिश की थी आप जिम्मेदार हैं। मुल्क को यहां ला खड़ा कर दिया है कि जो मुल्क छह फीसद के ऊपर ग्रो कर रहा था सत्रह साल के बाद मुल्क की ग्रोथ रेट इतनी थी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी दौलत में इजाफा हो रहा था ओवरसीज पाकिस्तानी रिमिटेंस भेज रहे थे रोशन डिजिटल अकाउंट में पांच अरब डॉलर आ गया था हमारे मुल्क में तारीखी डॉलर आया था और उस टाइम पे पचास लाख हम, हमने नौकरियां दी थी और इसके बावजूद कि दुनिया के अंदर एक आलमी महंगाई आई थी और वो इंपोर्ट हो रही थी उसके बावजूद हम रोक के रखे हुए थे हमने पूरी कोशिश की पे जोर ना पड़े उस गवर्नमेंट को गिरा के आज पाकिस्तान को उधर खड़ा किया है मैं ये समझता हूं कि ये तकरीबन ऐसे लगता है कि साजिश थी पाकिस्तान के खिलाफ और ये जो मेरी हकीकी आजादी की जो तहरीक है वो मुल्क को इस तरह के गद्दारों से आजाद करने के लिए है। हमारा मकसद क्या है पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की हुक्मरानी हो जंगल का कानून ना हो हम वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में जिसको रूल ऑफ लॉ कहते हैं इंसाफ हो हमारे साथ जो किया गया जब से हमारी हुकूमत गाई हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया गया हमारे खिलाफ हमारे जो जिसको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं बुनियादी हकूक जिसके ऊपर एक माशरा खड़ा होता है जो एक इंसान की हिफाजत करता है ताकतवर के जुल्म से जो एक हुकूमत जब गलत काम करे तो एक आइन उसके बुनियादी हकूक की हिफाजत करता है वो खत्म किए गए जो पच्चीस मई को हुआ लोगों के घरों में घुस घुस के इन्होंने लोगों ना चादर ना चार दवारी का सोचा लोगों के ऊपर जो जुल्म किया ना औरतों के देखे एक ग्यारह साल के बच्चे को उठा के सुबह के तीन बजे ले गए पुलिस स्टेशन क्योंकि बाप नहीं था उसका जो दो लोग हमारे शहीद हुए उसमें कितने लोग इंजर्ड हुए औरतें बच्चे देख रहे थे उनके ऊपर टेयर गैस शेलिंग की पुरमन एतजाज हो रहा था ऐसे लग रहा था जैसे मकबूजा कश्मीर में है कि जैसे कोई बैरूनी हमारे ऊपर ताकत जुल्म कर रही है कोई किसी को फिक्र नहीं थी कि एक बुनियादी हक है एक जमहूरियत के अंदर कि पुरमन एतजाज किया जाए उसके बाद केसेस बनाए गए हैं नैब केसेस बनाए गए और मैं ये नैब चेयरमैन जो इनका खास नून लीग का आदमी था उसने भी वो भी मजबूर हो गया कहने के लिए कि के झूठे केसेस बना रहे हैं और जिन लोगों के ऊपर केसेस बनाए जाए उनको माफ किया जा रहा है ग्यारह सौ अरब ग्यारह सौ अरब रुपया आपको पता होना चाहिए कि हमारे तीन साल में साढ़े तीन साल में चार सौ अस्सी अरब रुपया नैब ने रिकवर किया जो पाकिस्तान के के खजाने में आया 480 अरब रुपया तीन साढ़े तीन सालों में 1100 अरब रुपया मजीद और आना था इन्होंने सब माफ करवा लिया और फिर लोगों को कहते हैं जी मजीद और तैयार हो जाए महंगाई के लिए हमारे फंडामेंटल राइट्स ना इन्होंने उसकी फिक्र की नैब एफ जिस तरह के हर दूसरे दिन केसेस मेरे ऊपर सत्तर एफ आई आर काटी हैं कोई फिक्र नहीं है जितनी मर्जी करें इसलिए हमने ये जेल भरो तहरीका लोगों का खौफ उतारने के लिए खौफ की जंजीर तोड़ने के लिए कि ये जो खौफ देते हैं ना हम जेल में डाल देंगे पूरी कर लो अपना शौक देखा जिस तरह आज लोग निकले हैं सारी हमारी लीडरशिप ने खुद लीड फ्रॉम द फ्रंट किया उन्होंने कहा हम तैयार हैं जेलों के लिए हमने 200 लोग तैयार किए थे हजारों लोग तैयार हो गए जेलों में डालने के लिए वह पुषार से मुझे कॉले आ रही हैं जी दो सौ का ना बताएं हम तैयार बैठे हैं कल लीडरशिप तैयार बैठी है हजारों लोग तैयार बैठे हैं जेलों में जाने के लिए पिंडी से कॉलें आ रही है हम तैयार बैठे हैं पाकिस्तान तैयार बैठा है क्योंकि पाकिस्तानी तंग आ चुके हैं ये जो हमारे ऊपर ये जब से इंपोर्टेड हुकूमत और ये मुजरमों की हुकूमत आई है को मुझे कोई बताए मैं आज सारे पाकिस्तानियों से पूछ रहा हूं मुझे बताएं उस मुल्क का क्या मुस्तकबिल हो सकता है जधर एक मफरूर एक बगौड़ा मुल्क से कानून से भागा हुआ अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में बाहर बैठ के और मुल्क के फैसले कर रहा है मुझे यह सिर्फ मैं समझना चाहता हूं कि कौन से महजब माशरे में इसकी इजाजत दी जाती है कि अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज है जब यह प्राइम मिनिस्टर था इसने खरीदी लंडन में एक रसीद नहीं बता सकता कि पैसा किधर से आया है ये बता ही नहीं सकता कि पैसा मनी ट्रेल किधर से गई है कुछ नहीं बता सकता वो फैसला कर रहा मुल्क का इसका भाई शबाज शरीफ जिसने आज लोगों को खुशखबरी सुनाई है कि जी अभी और मजीद महंगाई आएगी चौबीस अरब रुपए के ये करप्शन केसेस में पकड़ा जाने वाला था इसकी ट्रायल हो रही थी इसके और इसके बेटों की एक बेटा मफरूर था दूसरा बेटा इनकी ट्रायल थी सोलह अरब रुपए एफआईए के, के केसेस जिसमें ये बच ही नहीं सकते थे नौकरों के नाम पे सोलह अरब रुपया लिया और ये जो पैसा नजर आ गया इसके अलावा जो पैसा है किसी को नहीं पता आठ अरब रुपए के नैब का केस जो यह नैब ने रिजाइन किया है इसे पूछे तो सही कि ये तो ये आपके सामने नहीं आया आठ अरब रुपए के, के केसेस और वो क्या केस था इन्होंने यहां से हुंडी हवाले से पैसा बाहर भेजा और फिर उन लोगों के नाम पे चीनी वाला और पापड़ वाला और उनके नाम पे पैसा रिमिटेंसेस दिखा के भजवाई फ्रॉड किया चीफ मिनिस्टर था वो आदमी प्राइम मिनिस्टर है आसिफ जरदारी दुनिया के अंदर इसकी चोरियों का पता हुआ है इसको मिस्टर टेन परसेंट कहते थे फेक अकाउंट्स केसेस में ये पकड़ा हुआ था अरबों रुपया इस मुल्क उसने अलहदा मुल्क से बाहर भजवाए वो इस मुल्क का दानश्वर बना हुआ है वो चीफ एडवाइजर है उसकी वो गवर्नमेंट का हिस्सा है राना स्नाउल्ला जितना अपना इनका नून लीग का वो मिनिस्टर कहता है उसका बाप कहता है कि इसने अठारह कत्ल किए हैं कई फैसलाबाद के लोगों से पूछे कि इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है कौन सा जुर्म है जिसमें यह मुलवस नहीं है यह आज मुल्क के ऊपर बैठे हुए हैं और एस्टैब्लिशमेंट इनके साथ खड़ी हो गई है और कौम को कहती है कि जी इनकी गुलामी करें और जब कौम निकलती है तो हमारे सारे मार धाड़ करना रातों को पकड़ना केसेस करना कि हम किस तरह के कोई गुलाम है हम कोई भेड़ बकरियां हैं ये कौम ये बर्दाश्त नहीं करेगी और मैं आज वार्निंग देता देना चाहता हूं आपको कि इस तरह अगर एक मुल्क का जब कानूनी नहीं रहेगा जब बुनियादी हकूक अवाम के नहीं रहेंगे जब आइन की ओपन वायोलेशन होगी नब्बे दिन का आइन स्टेट करता है ब्लैक एंड व्हाइट इलेक्शंस नब्बे दिन के आगे नहीं जा सकते नब्बे दिन के बाद ये केयर टेकर नहीं रह सकती पहले तो शर्म की बात है कि उस बदयानतदार इलेक्शन कमीशन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और इंशाला इसके ऊपर आर्टिकल सिक्स लगना चाहिए वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिस तरह की दो केयर टेकर गवर्नमेंट बनाई है केयर टेकर का मतलब होता है न्यूट्रल केयर टेकर यह इस तरह है कि यहां शबाज शरीफ हुकूमत कर रहा है और उधर फजल रहमान हुकूमत कर रहा है पख्तूख्वा की सारे अपने लोग बैठा के वो पुलिस वाले मैं फिर से कहना चाहता हूं और मैं वो पुलिस वालों को बताना चाहता हूं जिन्होंने हमारे ऊपर यहां जुल्म किया था पच्चीस मई को इंशाला जो मर्जी यह कर ले हुकूमत तो आनी है हमारी मैं इंशाला अपने अल्लाह के सामने यह कहता हूं कि इस बारी पहले तो आपने कानून तोड़ के बच गए, पहले तो आपने गैर कानूनी चीजें की और हमारे फंडामेंटल राइट्स की मुखाल ज्यादी करके जुल्म करके बच गए इस बारी आप नहीं बचेंगे यह मेरा आपसे वादा है मैं जिंदा रहा मैं इंशाला इंश्योर करूंगा कि इस मुल्क में जो जालिम है जो बेकसूर लोगों पर जो जमहूरीत के ऊपर अटैक करता है इंशाला आपको हम कानून के कटारे में खड़ा करेंगे और मैं अपनी सारी कौम को कहता हूं कि आप तैयारी करें अगर इन्होंने नब्बे दिन से आगे इलेक्शन किए तो उसके बाद सारी कौम को निकलना पड़ेगा जब तक आप निकल, निकलेंगे नहीं इसका मतलब कि कानून खत्म हो जाएगा नब्बे दिन के बाद इसका मतलब आइन खत्म हो गया इसका मतलब हमारा माशरा डिक्लेयर हो जाएगा बनाना रिपब्लिक इसका मतलब कि यह साबित हो जाएगा कि पाकिस्तान में सिर्फ जंगल का कानून है इसलिए अवाम ने इस मुल्क के आइन की हिफाजत करनी है और जिस तरह का अटैक किया जा रहा है पाकिस्तान के जज के ऊपर जिस जज से इनको लगता है कि जी हमारे खिलाफ फैसला दे देगा उसके पीछे पड़ जाते हैं ये माफिया है मैं याद कराना चाहता हूं कौम को कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के को हमला किया उसके ऊपर डंडों से ये दुनिया में कहीं इसकी मिसाल नहीं है जमूरीत में छोड़े आमरीत में इसकी मिसाल नहीं है कि एक सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया और एक दयानतदार चीफ जस्टिस सजाद अली शाह उसको बगाया गया और फिर ये जो भी ये जो जो ताड़ ये जो है कोई लॉ मिनिस्टर इसके इसका नाना या दादा जो भी था उसने पैसा चलाया उसने ब्रीफ केस चला के बाकी जजेस को खरीदा ये है इनकी तारीख ये है वो माफियाज ये कभी भी आजाद और मजबूत अदलिया को कभी टॉलरेट नहीं करेंगे ये कभी कानून की हुक्मरानी नहीं होने देंगे क्योंकि जो लोग कानून तोड़ते हैं जिन्होंने करप्शन कर दिया पैसा जिन्होंने एनआरओ लेना है वो कभी भी रूल ऑफ लॉ नहीं आने देंगे पाकिस्तान में इसलिए मैं अपनी सारी कौम को आज कह रहा हूं कि आपने तैयारी करनी है हमने जो जेल भरो तहरीक है वो आगाज हो गया लाहौर से मैं फिर से लाहौर के लोगों को खास तौर पे जिस तरह वो निकले और उन्होंने सपोर्ट की मैं खराज तहसीन पेश करता हूं मैं अपनी सीनियर लीडरशिप जिसने खुद फैसला किया कि नहीं हमारे से शुरू होगी गिरफ्तारियां मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूं और जो मुझे कल अभी से, से मैसेजेस आ रही हैं पेशावर से कि सारी लीडरशिप वहां भी तैयार है और आवाम भी तैयार है जेलों के लिए मैं उनको अभी से खराज तहसीन पेश कर रहा हूं और इनशाल्ला इनशाल्ला हकी आजादी ये हकीकी आजादी की तहरीक है ये असल में जो हमारी आजादी अधूरी रह गई थी 1947 में जब हम पूरी तरह आजाद नहीं हुए थे ला ए लाला का मतलब हमारी कौम को पूरी तरह समझ नहीं आया था जो भी ला एला पढ़ता है वो कभी किसी किस्म की गुलामी नहीं करता और खास तौर पे खौफ के बुत की कभी वो पूजा नहीं करता कुरान की आयत है जो लोग ईमान ले आ, उनके खौफ दूर कर देता है अल्लाह ने आज मैंने देखा लोगों के खौफ दूर कर दिए मैंने वो लोगों को जो आज देखे सीन्स मुझे मैं अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूं वो कम है क्योंकि अल्लाह हमें उस हकीकी आजादी की तरफ लेके जा रहा है जो सिर्फ खौफ की वजह से हमें जिसकी वजह से गुलाम रखा था